जाम एक ऐसी समस्या जिससे आप भी दो चार होते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा जाम किस शहर में लगता है? दुनिया में सबसे ज्यादा जाम लगने वाले शहर का नाम क्या है? अगर नहीं जानते तो अब जान लीजिए। भारत में एक ऐसा शहर है जहां जाम लगने की वजह से वो पूरी दुनिया में कुख्यात है। भारत की आईटी राजधानी के रूप में विख्यात बेंगलुरु भी अपने बुरे ट्रैफिक जाम के लिए जानी जाती है, जिसे दुनिया का दूसरे सबसे ज़्यादा जाम वाला शहर चुना गया है। ये रैंकिंग साल 2022 के ट्रैफिक इंडेक्स की है। नमस्ते, मैं हूँ ऋषभ कांत, आप हैं मंच पर। डच लोकेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट टॉम टॉम ने इसको पब्लिश किया है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में बेंगलुरु के लोगों को 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 29 मिनट और 10 सेकंड का समय लगा। वहीं मेट्रो एरिया कैटेगरी में छठे नंबर पर बेंगलुरु रहा है। भीड़ भाड़ वाले समय के दौरान एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जो कि 2021 में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की तुलना में 4 किलोमीटर ज़्यादा है। रिपोर्ट में लंदन को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर बताया गया है। लंदन में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 36 मिनट और 20 सेकंड लगे हैं। सिटी सेंटर कैटेगरी में आयरलैंड का डबलिन तीसरा सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा है। दिल्ली की बात करें तो 34वें और मुंबई 47वें नंबर पर। दरअसल इस सर्वे में 6 महाद्वीपों पर 56 देशों में 389 शहरों को कवर किया गया। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने शहरों को उनके यात्रा समय, ईंधन लागत और CO2 उत्सर्जन से मापा है और शहर दर शहर पूरी जानकारी हासिल की। सिटी सेंटर श्रेणी में डबलिन आयरलैंड तीसरा भीड़ भाड़ वाला स्थान था। इसके बाद जापान में सापा पोरो, इटली में मिलान और भारत में पुणे छठे नंबर पर। सिटी सेंटर उस क्षेत्र को माना जाता है जो शहर के सबसे ज़्यादा व्यस्त हिस्से को कवर करते हुए 5 किलोमीटर के दायरे में आता है। मेट्रो क्षेत्र में पूरे एरिया के ट्रैफिक को मापा जाता है। इसमें शहर का केंद्र और बाहरी क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं। बेंगलुरु 2021 में 10वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर था और 2022 में छठा था। एक नज़र दुनिया के सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले शहरों पर भी डाल लेते हैं, जहाँ 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है ये भी जानते हैं। लंदन, जिसमें 36 मिनट 20 सेकंड लगते हैं 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में। बेंगलुरु, जो कि दूसरे नंबर पे है, जहां 29 मिनट 10 सेकंड की दूरी लगती है। डबलिन 28 मिनट 30 सेकंड, सापा पोरो 27 मिनट 40 सेकंड, मिलान 27 मिनट 30 सेकंड और पुणे 27 मिनट 20 सेकंड, बुखारेस्ट 27 मिनट 20 सेकंड और लीमा 27 मिनट 10 सेकंड, मनीला 27 मिनट, बोगोटा 26 मिनट 20 सेकंड। ये समय 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में इन शहरों को लगता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में बेंगलुरु शहर में सबसे व्यस्त ट्रैफिक वाला दिन 15 अक्टूबर था। उस दिन सिटी सेंटर में 10 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए एवरेज ट्रैवल समय 33 मिनट 50 सेकंड था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बेंगलुरु में रहने वाले लोगों ने औसतन 260 घंटे यानी 10 दिन ड्राइविंग में और 134 घंटे जाम में फंसे होते हुए बिताए हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।